Hello students, I am Vaishali Nashine from Brainly Progressive class. Now today's topic is future continuous tense. This is our part 6, future continuous tense. The future continuous tense is used for an action going on at some point of future time. Kuch future time ka action jo chal raha hai, wo express future continuous tense karta hai. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है चालू भविष्यकाल, भविष्यकाल में जो एक्शन चल रही होगी वो एक्सप्रेस करने के लिए हम इस टेंस का यूज करते हैं. अगर हमें वैसे सेंटेंस बनाना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के, तो हमें इसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है ये मैं आपको बता रही हूँ. स्ट्रक्चर पॉजिटिव स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस शॉल बी और विल बी प्लस वर्ब के रियल फॉर्म को आईएनजी यूज करना है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स हमें लेना है. सब्जेक्ट और शॉल बी या विल बी ये आपको ध्यान में रखना है. शॉल बी विल बी, शॉल बी और विल बी का जो यूज होता है ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी वर्ब है, हमें यूज करना है इसमें. और इसको निगेटिव बनाना है तो शॉल नॉट बी और विल नॉट बी प्लस वर्ब को आईएनजी यूज करना है. वर्ब का आईएनजी एनएच वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है ये, प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड. ये हमारा इसका स्ट्रक्चर बनता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. एंड देन आई एंड वी, शॉल इज यूज विथ आई एंड वी. शॉल ये आई और वी के साथ यूज होता है, इसलिए आई शॉल बी राइटिंग अ लेटर, वी शॉल बी राइटिंग अ लेटर. आई शॉल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, वी शॉल नॉट बी राइटिंग अ लेटर. आई एंड वी, शॉल इज यूज विथ आई एंड वी. एंड he, she, they, you, अदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं सिंगुलर थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन, जो भी पर्सन अदर पर्सन के साथ विल बी यूज किया जाएगा, विल बी राइटिंग अ लेटर. ही विल बी राइटिंग अ लेटर, शी विल बी राइटिंग अ लेटर, दे विल बी राइटिंग अ लेटर, यू विल बी राइटिंग अ लेटर, मदर विल बी राइटिंग अ लेटर, फादर विल बी राइटिंग अ लेटर. यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस अगर हम यूज करते हैं तो हमें विल ही यूज करना है. प्लूरल प्लूरल फॉर्म जो है थर्ड पर्सन का दे, प्लूरल जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे उनके सामने हमें विल यूज करना है. सिर्फ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल इनके ही साथ शॉल बी का यूज होगा. तो ये स्टेप से हमारे सेंटेंस बनेंगे. जैसे वो पत्र लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग अ लेटर मीन्स वो पत्र लिख रहा होगा. शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वो पत्र लिख रही होगी. इन दिस वे वी यूज दिस स्ट्रक्चर फॉर द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए ये स्ट्रक्चर यूज करके हमारे सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम बना सकते हैं. तो कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे कि आई शॉल बी वेटिंग फॉर यू इन द इवनिंग. आई शॉल बी वेटिंग फॉर यू इन द इवनिंग मीन्स मैं तुम्हारा शाम को इंतजार कर रहा हूंगा. दे विल बी प्लेइंग अ क्रिकेट मैच एट दैट टाइम. वे उस समय क्रिकेट मैच क्रिकेट खेल रहे होंगे. यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर जो है हमें याद में रखना है, शॉल बी आई एन जी, विल बी आई एन जी. इन दिस वे दिस स्ट्रक्चर इज मेक द सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. Thank you.